नमस्ते दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी के कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में। दोस्तों पूछे अपना सवाल में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो आप भी जानना चाहते हैं खेती बाड़ी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल, तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जी सी श्रोत्य जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपने पहले कॉलर से, कमल जी से, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो कमल जी, बात कर रहे हैं जी? नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी मैडम बोलिए। सर आपका सवाल आया था व्हाट्सएप के जरिए, आपने फसल की तस्वीर भेजी थी। जी जी सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, हमने फोटो भेजा था कद्दू का, जी जी से इन्होंने कद्दू की तस्वीर भेजी है और ये पूछना चाहते हैं कि ये क्या, कौन सी बीमारी है। कमल सिंह जी, आपने जो तस्वीर भेजी है जिसमें फल भी बताया है और पत्ते भी बताए हैं, इससे पहले कि मैं आपको इसका इलाज बताऊं, मैं ये आपसे और सब किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि बीमारी का हमें शुरू से रोकना ज़रूरी है। बुआई के वक्त से ही ध्यान रखेंगे तो ये बीमारियां नहीं आएगी, क्योंकि बाद में थोड़ा मुश्किल होता है इन पर नियंत्रण करना, जैसे बीजोपचार करना या खेत को साफ रखना, खरपतवार नहीं होना, और ख़ास करके खाद में भी संतुलन बनाए रखना। नाइट्रोजन हम देते हैं, फास्फोरस देते हैं, पोटाश देते हैं या नहीं, तो संतुलित उपयोग करना। जो फल फटने लगते हैं तो बोरॉन की कमी से अक्सर ऐसा होता है, तो जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको भी देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सबसे निवेदन यही रहेगा कि बीमारी को रोकें, उसके लिए पौधे को स्वस्थ रखें। दूसरे जो उपचार हैं, बीजोपचार से लगा के खेत को साफ रखने तक के, और संतुलित खाद उपयोग करने के, वो अपनाएं और पानी का भी पूरा ध्यान रखें। रही आपके इस बीमारी की बात जो आपने फल और पत्तों पे देखी है, तो इसमें दो तरह की बीमारियां हो रही है। एक तो आप देख रहे हैं कि पत्तों पे धब्बे भी हैं भूरे रंग के, और सफ़ेद रंग का पाउडर भी है, हैं तो ये दो बीमारियां एक साथ हो रही है जो फल पे भी असर डाल रही है। तो जो दो दवाइयां मैं बता रहा हूं, डाइक्लोरोवॉस 76 EC की दवा होती है, इसका 6.5 ml 10 लीटर पानी में मिलाएंगे, और 1 एकड़ में 200 लीटर के करीब पानी लगता है, तो आप उस हिसाब से अपना पानी तय कर लें। और ये जो पाउडरी मिल्ड्यू है, जिसको आप चूर्णिल रोग कहते हैं या बहुत से लोग राखोड़िया रोग भी कहते हैं, क्योंकि सफ़ेद सी राख जैसा इसमें आ जाता है, तो इसमें कार्बेंडाजिम आप ले लें, और ये आधा मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से छिड़कना है। ये जल्दी छिड़कें, क्योंकि ये जब आप सिंचाई वगैरह देंगे तो तेज़ी से ये बीमारी फैलती भी है, तो इसमें आप देर न करें तो ये बीमारी आगे बढ़ने से रुक सकती है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, रवि कुमार जी से, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो, रवि कुमार जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। नमस्कार जी। सर आपका सवाल आया था। हाँ जी हाँ जी। सर क्या जानना चाहते हैं आप, पूछे अपना सवाल। मैं पूछना चाहूंगी, मैं कणक की कटाई के बाद मूंग की खेती कर सकूं? जी हाँ रवि कुमार जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। अगर आपके पास पानी है तो कणक के कटाई के बाद आप मूंग ले सकते हैं, और आपके खेत की उर्वरा शक्ति, जो उपजाऊपन है, वो भी बढ़ेगा, और आप अतिरिक्त 6-7 क्विंटल 1 एकड़ में मूंग भी पा सकेंगे। कौन तक, सी वैरायटी? वैरायटी आप देखिए, पूसा बैसाखी ले सकते हैं, तो ये अच्छी रहेगी। वैरायटी हमें वो लेनी है जो 60 से 70 दिन में पक जाए।
हाँ जी हाँ जी तो बारिश आने से पहले हमें उसको काट लेना है, तभी फायदा है। हाँ जी और ऐसी वैरायटी, ये इनका आप जो फलियां हैं वो लेंगे और जो हरे पत्ते रह जाएंगे उनको खेत में मिला देंगे, अगर चारे के लिए नहीं काम में लेना है, ताकि वो हरी खाद भी बन जाए, तो आप जरूर ले बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं। इस वैरायटी की फली 100% फली 1 साल पकेगी। ठीक हाँ जी, है अगर नहीं हो बिल्कुल तो दो चुनाई कर लें, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादातर एक साथ पकेंगे, नहीं तो दो चुनाई में काम चल जाता है आपका और ऐसी ज़्यादा ठीक देर नहीं है। लगेगा। ऐसी वैरायटी बताओ ना जो 1 साल पके। बीज आप ले लें हरियाणा बीज निगम से या आपके यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में अगर है, तो पहले बीज की व्यवस्था कर लें। बीज कहाँ से प्राप्त होगा? आपके पास फेडरेशन के बीज भी मिलते हैं सोसाइटी में, उनसे ले लें, या बीज निगम हरियाणा का है उनका अगर कोई डिपो है तो वहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो अच्छा कृषि विज्ञान केंद्र पे चले जाएं तो उनके पास विश्वविद्यालय का बीज भी होगा। सार में हाँ, हिसार नहीं, आप तो कुरुक्षेत्र में है तो कोल में भी चले जाएंगे तो भी आपको शायद जानकारी मिल जाएगी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू जी आपको। जी तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, मनोज जी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो मनोज जी, बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। नमस्ते, सर आपका सवाल आया था, क्या जानना चाहते हैं, पूछे अपना सवाल। मेरे मैंगो के पेड़ लग रहे हैं, उसके अंदर अपने फ्लावरिंग हो रही है, तो फल लगे हुए, फल छोटे हैं, तभी से टूट के गिर रहे हैं। जी सर, इन्होंने आम के पौधे पेड़ लगा रखे हैं और वो फल आ रहे हैं और बहुत छोटे होके ही फल गिर जाते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि जो फूल के गुच्छे बनते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, जब मटर के दाने जितना आपका फल होता है तो वो भी बहुत मात्रा में होता है, और बहुत उसमें से पौधा उसको रख नहीं सकता है तो वो गिरते ही हैं। अगर एक जितने उस पे संभावना है, जितना फूल आता है और जितने उसमें फल बनते हैं, अगर 200 250 फल भी एक पौधे से मिल जाएं, एक पेड़ से मिल जाएं, तो वो पर्याप्त है, क्योंकि जो अधिक है प्रकृति का नियम है कि वो उनको गिरा देते हैं, तो आप चिंता न करें। ये जरूर देखें कि आपके वहाँ कोई उस पे कीड़ा वगैरह मच्छर टाइप का ना हो जो उसको खा के और गिरा रहा हो, तो वो ध्यान रखें। उसके लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड आप छिड़क सकते हैं, लेकिन आम तौर पर फूल भी झड़ेंगे और छोटे जो मटर के दाने और उससे थोड़ा बड़ा फल हो जाएगा तो वो भी गिरता ही है, तो उससे घबराने की बात नहीं है, सिर्फ ये देखिए कि किसी बीमारी या कीड़े की वजह से नहीं गिर रहा हो। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रीन टीवी। सवाल ये था कि एक तो नीचे से पत्ते जो वो सूखते जा रहे हैं, जो जी नीचे के पुराने पुराने थे, जी और सारा फूल जितना ज्यादा वो काला काला हो गया, सारा जड़ गया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, विजय मलिक जी से, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो। विजय मलिक जी बात कर रहे हैं? हाँ जी नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी नमस्कार जी। पूछे अपना सवाल। मैम सवाल ये था कि एक तो नीचे से पत्ते जो वो सूखते जा रहे हैं, जी जो नीचे के पुराने पुराने थे, जी और सारा फूल जितना ज्यादा वो काला काला हो गया, सारा जड़ गया। जी हाँ विजय मलिक जी, हाँ अभी जी देखिए टमाटर के फसल में चूंकि एकदम गर्मी बढ़ी है अचानक से, हाँ इतनी जी गर्मी अक्सर नहीं होती है, तो बहुत अधिक गर्मी जब अपना जो तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, तो अक्सर रात का टेम्परेचर भी, हमारा तापमान रात में भी बहुत ज़्यादा है, अगर रात का तापमान भी 21 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और दिन का तापमान 35 के ऊपर हो जाता है, गर्मी होती है, तो अक्सर फूल झड़ने लगते हैं।
पानी की कमी तो शायद आपने नहीं रखी होगी, इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नमी नहीं थी इसलिए फूल झड़ रहे हैं। तापमान का ज़रूर असर पड़ता है। अगर पौधों पे कोई दूसरे तरह के बीमारी के धब्बे नहीं हैं, सिर्फ नीचे के जो पत्ते हैं वो सूख रहे हैं, तो वो एक पकाव की अवस्था पे आते हैं या नाइट्रोजन और पोटाश की कमी के लक्षण नीचे के पत्तों पे दिखते हैं। तो अगर आपने दिया भी है लेकिन पौधे ने ग्रहण नहीं किया है तो वो पत्ते पर कमी के लक्षण दिखाते हैं। अगर किनारे पे पत्ते पहले पीले हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे झुलस गए हैं बाद में, तो ये पोटाश की कमी के लक्षण है। तो हो सकता है कि आपने पोटाश दिया हो और पौधे को नहीं मिल रहा हो, या कम मात्रा में दिया हो और जो खुराक आप लेना चाहते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा उपज लेना चाहते हैं तो पोषक तत्व भी भूमि से ज़्यादा लिए जाते हैं पौधों द्वारा, तो वो अगर उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो फिर कमी के लक्षण दिखाते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी है उसमें नीचे वाले पत्तों में, तो पत्ते जो किनारे हैं वो शायद हरे ही रहें लेकिन बीच से नस के किनारे किनारे ये पीले पड़ते हैं और पीलापन फिर पूरे पत्ते पे छाता है। तो इस तरह से अगर कमी के लक्षण हैं तो वो दिखाई देंगे कि कौन से तत्व के हैं। अगर बीमारी कोई होती है, अगर जैसे पत्तों पे सफ़ेद पाउडर आया है तो पाउडरी मिल्ड्यू भी होता है, लेकिन ऐसा अभी कोई अंदेशा नहीं दिख रहा, आपने नहीं बताया, या कोई दूसरे धब्बे पत्ती धब्बा रोग हो जाते हैं वो बात होती है तो अलग बात है, लेकिन जो लक्षण आप दिखा रहे हैं कि नीचे के पत्ते सूख रहे हैं या पीले पड़ रहे हैं, तो ज़्यादातर अगर वो पत्ते किनारे से पीले पड़ रहे हैं तो पोटाश की कमी के लक्षण हैं, और जो फूल गिर रहे हैं वो जो ये बढ़े हुए तापमान की वजह से होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो हम खेती करें और तापमान अगर इसी तरह बढ़ता रहा, 40 के ऊपर होता रहा, तो फिर शायद हमें शेड नेट लगा करके ही टमाटर की खेती करनी होगी। ठीक है सर। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, गौतम ठाकुर जी से, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं और ये हमसे पहले भी जुड़ चुके हैं। तो आइए बात करते हैं गौतम जी से और देते हैं इनके सवालों के जवाब। हेलो, गौतम ठाकुर जी बात कर रहे हैं? आप ग्रीन टीवी से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में। हाँ। जी सर, अभी आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे? छोट मैंने रोपा है, लगाया है जी। हाँ, वो बड़ा हो गया पर उसको कोई खुशबू खुशबू आती नहीं, वो जो रात रानी आती है उसकी जी खुशबू आती नहीं है, क्यों ऐसा, कोई कारण, क्या कारण होगा? गौतम भाई, फूल तो आ रहे हैं ना रात रानी पर? हाँ, फूल तो आ रहा है, व्हाइट फूल आ रहा है। हाँ जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उसको पौधे को जो उसकी खुराक है वो नहीं मिलता है, खुशबू के लिए कुछ तत्व, विशेष तत्व की आवश्यकता होती है, लेकिन हम वो तत्व अगर नहीं मिल रहे हैं तो खुशबू नहीं आएगी। कितने पौधे लगे हुए रात रानी के? पौधे तो बहुत है, मेरा छोड़ है 5-6 फुट ऊंचा है, मेरा छोड़ रखा हुआ है। अच्छा, खाद क्या देते हैं, पोटाश खाद कभी दिया है इसमें? अगर देशी खाद या पोटाश खाद नहीं दिया है तो हो सकता है कि आपके वनस्पतिक बढ़वार ज़्यादा हो, लता और पत्ते ज़्यादा हो, फूल भी आ रहे हैं लेकिन खुशबू उतनी नहीं आ रही हो, तो संतुलित जो एक खाद देने का तरीका है तो वो थोड़ा दें, खाद लगाएं उसमें देशी खाद भी लगाएं, ताकि जो उसको सारे तत्व मिलने चाहिए पौधे को और जो खुशबू फूल में आनी चाहिए वो बनी रहेगी। ओके ओके। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कपिल जी से, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो, कपिल जी बात कर रहे हैं? यस मैम। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। नमस्कार मैम। सर आपका सवाल आया था। जी सर, पूछे अपना सवाल। मैम मैं ये पूछ रहा था कि ये कॉटन का बीज उगाना है हमको। जी, तो उसके लिए कौन सा बीज बढ़िया रहेगा? देखिए कपिल जी, ये हरियाणा कृषि विद्यालय हिसार ने जो
बीजों की सिफारिश की है उसमें संकर किस्म भी है और साधारण किस्म भी है। तो जो संकर किस्म है उसमें दो किस्म खास करके उन्होंने सिफारिश की है और उसका नाम है एच एच एच, तीन बार एच 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 एच, दो दो तीन, 223। तो 223 नंबर की एक किस्म है और दूसरी किस्म है 287 नंबर की, 287, एच 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 287। तो ये तो संकर किस्म है। और दूसरी और किस्म है जिसमें एच 1117, एच 1117 और एक है एच 1226, 1226। तो इनमें से कोई किस्म आप ले लें, किस्म कौन सी उपलब्ध है या तो कृषि विज्ञान केंद्र से पता कर लें भिवानी में, या महकमे से पता कर लें महकमे में कौन सा बीज आया हुआ है। अगर फेडरेशन ने या समिति पे बीज आया हुआ है तो वहाँ से भी पता कर लें। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर से और देंगे उनके सवालों के जवाब। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। मैम, एक तो ये प्रॉब्लम हो रखी है कि जो भी टमाटर लगा हुआ है जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, ललित जी। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो ललित जी, बात कर रहे हैं जी? नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी मैम। सर, आपका स्वागत है ग्रीन टीवी के कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में। थैंक यू मैम। जी सर, आपका सवाल आया था। जी मैम। जी सर, पूछे अपना सवाल। मैम, एक तो ये प्रॉब्लम हो रखी है कि जो भी टमाटर लगा हुआ है जी, एक तो कीड़ा अपना बुरा है उसमें बहुत ज्यादा और छोटा छोटा कीड़ा बहुत ज्यादा है मैम। जी ललित जी, अगर कीड़े आ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें कीड़े का प्रकोप कम करना है। तो और टमाटर का फल भी हम बार बार तोड़ रहे हैं। एक तो आपने जो फोटो भेजा है उसमें अंदर भी कीड़े चले गए हैं टमाटर के अंदर, और बाहर भी कीड़े हैं। तो पहले तो बाहर के कीड़े पर नियंत्रण करते हैं, और मेलाथियान 1 लीटर दवा 200 से 250 लीटर पानी में करें और 1 एकड़ पे छिड़काव करें, ठीक है? तो ये जो आपके कीड़े बाहर आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जो अंदर चले गए हैं, मैं तो यही कहूँगा कि उन फलों को बीन लें और गड्ढे में डाल के उनको दबा दें, ताकि उनसे दूसरे कीड़े उन वंश है वो नहीं आगे बढ़े। ठीक है सर। ठीक है जी। मैम, एक बात और रही। जी 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 सर, बताइए। मैम, जो लगा हुआ ना टमाटर, तो ऊपर बिल्कुल काला हो गया, बिल्कुल गिलगिला बोलते हैं, सड़ जाता है मैम, ऊपर लगा लूंगा अपने आप ही। अगर पत्तों पे ये जो चूरण सा हो रहा है सफेद, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू है, पत्तों पे सफेद आना। तो जब भी आप ज्यादा पानी देंगे तो ये वापस थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा। तो पानी को न ज्यादा देना है न कम देना है, तो ये रखें। और कार्बेंडाजिम ये दवा का छिड़काव कर सकते हैं आप, आधा सीसी दवा, आधा ml दवा 1 लीटर पानी, उस हिसाब से करें। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। थैंक यू जी। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के हमारे आखिरी कॉलर से, बलजीत जी से, जो कि आसाम के रहने वाले हैं, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो बलजीत जी, बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है ग्रीन टीवी के कार्यक्रम पूछे अपने सवाल में। हाँ सर, आपका सवाल आया था। ओके। जी सर, पूछे अपना सवाल। कैसा होना चाहिए? जी। आप आसाम में हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि सुपारी, बीटल नट, तो 1000 फिट समुद्र तट से अगर ऊंचाई है 1000 मीटर, तो वहाँ तक आप आसानी से सुपारी की खेती कर सकते हैं, और ऊपर जाएंगे तो फिर ये खेती नहीं है।
तो आप आसाम में कहाँ हैं, समुद्र तट से कितना ऊपर आप स्थित हैं ये पता करें। आसाम में खेती होती है सुपारी की, ज़्यादातर हमारे यहाँ दक्षिण वाले राज्यों में होती है, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु में, ठीक है। इसके लिए नर्सरी लगानी पड़ती है और नर्सरी में करीब 12 से 18 महीने अगर नर्सरी में पौधा रहे बीज लगाने के बाद, तो वो बीज लगाने काबिल, वो नर्सरी पौध लगाने के काबिल होती है। और रोपाई के, पौध लगाने के लगभग 5 साल बाद फिर इसमें फल आना चालू होता है, तो आपको फल मिलेगा और एक पौधे पे करीब 300-400 सुपारी लग सकती है। और अगर हेक्टर के हिसाब से देखें या अगर एकड़ के हिसाब से देखें तो 500 केजी प्रति एकड़ की उपज हो सकती है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारी सभी कॉलर्स को, आप हमारे स्टूडियो में आए, ये तमाम जानकारी आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आप भी जानना चाहते हैं खेती बाड़ी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल, तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।